नमस्कार, मैं इशिका और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली देश में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में दिल्ली में संक्रमण रेट कम हुआ है, जबकि कोरोना से 72% लोग जंग जीत चुके हैं। दिल्ली में अब तक कुल 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन संक्रमित मरीजों में से 72,000 से ज्यादा ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी में संक्रमण के मरीज भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन बीते 20 दिनों से यह हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। अब कोरोना टेस्ट में प्रति 100 लोगों में से महज 10 लोग ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 26% से घटकर 10% हो गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट भी बढ़कर 72% हो गया है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। बीते 24 घंटे में 1,379 नए केस बढ़े और 48 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। गनीमत ये है कि दिल्ली में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है और इस समय करीब 71.5% मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 25,620 हैं, जबकि करीब 72,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर महाराष्ट्र बना हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,368 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 204 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,11,900 के पार जा चुका है, जबकि 9,026 मरीजों की जान जा चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना की सबसे तगड़ी मार झेल रही है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 1,200 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 29 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 85,724 तक पहुँच गया है। यहाँ पर 4,938 मरीज जिंदगी की जंग हार चुके हैं। तो ये थी देश की कोरोना अपडेट। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली दस्तक के साथ। मैं शिका, दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। धन्यवाद।